Hey guys, welcome back to my channel. 10 दिन हो गए मैंने चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाला है और सबसे ज़्यादा मुझे कोई रिकमेंड वीडियो है तो वो है स्टैनी की वीडियो, यानी कि एम सी स्टैंड की वीडियो। तो मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं क्योंकि रिकमेंडेड भी है और मुझे पसंद भी है। और थैंक यू सो मच गाइस मुझे सपोर्ट करते रहने के लिए। 10 दिनों तक वीडियो नहीं आई फिर भी आपने पेशेंस रखा, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो आज हम हेटर्स को साइड में रखते हुए फिर से एक बार मैं ला रही हूँ ये स्टैनी की वीडियो जिसका नाम है एम सी स्टैंड MH12। इंसान एल्बम का ये ऑफिशियल ऑडियो है और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि ये बस्ती का हस्ती से कुछ रिलेट होता है, तो मैं ऑलरेडी बस्ती का हस्ती जो है रिएक्ट कर लिया है, उसके बाद में ये वीडियो देखना बनता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एम सी स्टैंड के इस ऑफिशियल ऑडियो को लेके। पता नहीं क्यों अजब सा एक वाइब आ रहा है, अजीब सी एक खुशी है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और ये है MH12 मतलब पी टाउन बेबी, यानी कि पी टाउन मतलब पुणे महाराष्ट्र का एक सिटी है, पुणे सिटी, और पी टाउन कम हिप हॉप टाउन सबसे ज़्यादा सूट करता है इस MH12 को। और मैं खुद MH12 से हूँ, मेरा होम टाउन पुणे है, सो वो एक अलग सी वाइब आती है जब पुणे से कोई आर्टिस्ट आता है। तो ऐसे नहीं कि बाकी सारे आर्टिस्ट को मैं नज़रअंदाज करती हूँ, पर पुणे का जो भी कोई आर्टिस्ट आता है तो हाँ समझ में आता है कि ये मेरा गांव वाला है। सो ऐसी कुछ वाली फीलिंग आती है बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए ये जो है सॉन्ग देखना चाहती हूँ मैं, जिसका नाम है एम सी स्टैंड MH12 ऑफिशियल ऑडियो इंसान 2022। कैरियत पूछो कभी तो कैरियत पूछो तुम्हारी। ये एम सी स्टैंड के ये जो सॉन्ग होते हैं जो ऑफिशियल ऑडियो होते हैं उसमें एक अजीब सी आवाज़ आती है जो स्टैनी खुद निकालता है, जैसे कि वो सुनाई तो पहले मुझे बहुत अजीब लगता था पर अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया वो चैनल फिल्ड के चक्कर में, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि बैकग्राउंड में सुशांत सिंह राजपूत का सॉन्ग चल रहा है खैरियत पूछो। और किसने सोचा था कि एम सी स्टैनी कुछ ऐसा लाने वाला है जो कि बॉलीवुड के सॉन्ग के ऊपर कुछ तो होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ होगा पर सुनाई तो दिया, फर्स्ट स्टार्टिंग ही ऐसी हुई है, मतलब गाना कैसा होने वाला है मुझे तो एकदम बूम वाली फीलिंग आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत मेरा पहले से ही फेवरेट था, है और रहेगा, उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा प्यार। और बढ़ते हैं आगे। दीवाने का क्या हाल है यार, बच्चे लोग आ रहे हैं इस बार से आने, बच्चे लोग आ रहे हैं इस बार से आने। एक मिनट, यहाँ के लिरिक्स भी दिए हुए हैं तो लिरिक्स पे भी ध्यान दें। बच्चे लोग 12 के MH12 से, बच्चे लोग 12 के मतलब हमारे मराठी में एक है, मतलब ऐसा बोलते हैं जिसी को, जैसे कि बोलते हैं ना ये बहुत हरामी है, तो किसी को बोलना है तो ऐसे बोलते हैं कि हाँ खूब बारा सा है कि वही खूब बारा ची आए, तो वैसा कुछ है बच्चे लोगों को, वैसा हो भी नहीं सकता पर ऐसा हो भी सकता है। सो मैं ऐसा सोच रही हूँ MH12 से, मतलब वैसे लोग हैं, मतलब कुछ हरामी टाइप के, हटके टाइप के, अलग टाइप के लोग हैं बच्चे लोग, और वो है MH12 से यानी कि पी टाउन से। सो ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे लोग 12 के MH12 से आने वाले जितने भी यात्री, मेरा दिल काहे को जलाते भाई बोलू गला के पीछे से लग गई मला रात्रि, मेरे को टेंशन है हिटस का गुस्सा मैं पे करता भेंट मला रात्रि, यानी कि मुझे मिलना रात में। मुझे बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि जो मराठी में जो कुछ स्टैन कहता है, एमसी स्टैन कहता है, वो हमें हिंदी में बता दो। सो मैं उसके ये बता रही हूँ। पहली उगे मिलेंगे राखी, ये उनकी भी गलती नहीं रे, उनकी चलती नहीं करा तूने बोलने के बाद भी। हवा फीले क्यों तुम मिले, कर रहे ले मैं कोई लुक डिफेम, लाए मैंने इंडिया में डिस गेम, सब लोग ने बचने बोले ड्रिल पे, पीछे मत लगो एक चीज के, कैसा लगा तेको मेको मिलके, निकलता सीधा मेरे दिल से, मार के निकला मैं झुम्मे को, लड़की को छोड़ी दर फिदा, और आंटी लोग पसंद है तेको तो सुना मेरे बुल्ले को, हिट मेको करो अगर कुछ नहीं करने को, आप करे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
ये सरासर झूठ झूठ का है, झूठ मतलब झूठ ही है, स्टैनी ने बिल्कुल झूठ कहा कि लड़की लोग लड़कियां जो है वो स्टैनी के पीछे कम पर आंटियां ज्यादा लग रही है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा झूठ है, क्योंकि मुझे पता है स्टैनी के फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और क्रेज भी बहुत ज्यादा है, तो ये झूठ है, झूठ है ही। मुझे बताना कि ये सच है या झूठ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पर मुझे तो ऐसे ले को हिट में को करो अगर कुछ नहीं है करने को, करने को। तेरे बने बोला समझा तेरे बच्चे को, रोज लेटर महफिल में लिंक है बच्चे लोग। ये सबसे बढ़िया लाइन है, सबसे बढ़िया मतलब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैं क्या कहूँ इस लाइन के लिए। मतलब ये है, हेट मेरे को करो अगर कुछ नहीं है करने को, सही बात है, करो हेट, कुछ नहीं है तुम्हारे पास करने को तो करो। मेरे साथ भी यही हुआ, किसी के पास कुछ नहीं होता, पहले वह बैठे होते वो सिर्फ दूसरे को हेट कर सकते हैं। सो ये सही बात है, ये 100 एक्सपीरियंस वाली बात है, मतलब ये सब स्टैनी ने एक्सपीरियंस किया है तभी तो उनके गाने में दिखता है। सही है, थोड़ा पीछे जाते हैं। निकलता सीधा मेरे दिल से मार के निकला मैं झुम्मे को, लड़की को छोड़ी दर फिदा और आंटी लोग पसंद है। देखो तो सुना मेरे बुल्ले को, हेट मेरे को करो अगर कुछ नहीं है करने को, आंखों तेरे बने बोला समझा तेरे बच्चे को, रोज लेटर महफिल में लिंक है बच्चे लोग। बच्चे लोग करता मैं बंटे और बच्चे को लील को लेके आएंगे नहीं तो लील बेबी को। बच्चे लोग 12 के एमएच 12 से आने वाले जितने भी यात्री, मेरे दिल का को जलाते भाई बोलू गला के पीछे से वेट मारा रात्रि। मेरे को टेंशन है हिट्स का गुस्सा मैं पे करता, कलयुग में मिलेंगे गाती, ये उनकी भी गलती नहीं रे मेरी चलती नहीं करा तूने बोलने के बाद भी। एक गाने पे उठा था मार्केट, इसको नहीं करता मैं टारगेट, डब्ल्यू में घूम रहा चार के, मालूम ना कैसा फिर मारते, झूठ नहीं बोलता मेरी माँ से, नम्रकारी चारते अपने। नम्रकारी मैंने कहीं सुना है, झूठ नहीं बोलता मेरी माँ से, नम्रकारी, इसका ये मुझे समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, डीएम कर देना कि क्या है नम्रकारी। थोड़ा सा जल्दी में राइड हो गए दोस्त की हल्दी में, ले जरा आमिर लोग को घस्ती में, मालूम ना बस्ती का हस्ती में। मैं पहन के फुल एतिका आइटम को पूछा तेरे गीतिका, फिर तेरे गला था उगज की गांड को मारा था, बोल बच्चन तू तो साला का ये आइटम को पूछा तेरे देखी क्या, इसके पहले गाना बोल क्रेजी था। फिर पे जा, एक मिनट फिर से सुनते हैं। मैं पहनने के फुल एतिका आइटम को पूछ तेरी खेती का, ओके खेती का मतलब एती का मतलब आ रही है क्या, मतलब आ रही है क्या, घेती का मतलब ले रही है क्या, और फेस पे तेरे गला था बस की क्यों मरा था, ओके बोल वचन दे तुझे झलका, मतलब बोल वचन दे के तेरा हो गया क्या, मतलब तुझे झलका मीन्स हो गया क्या, तेरी आइटम को पूछ मेरा देखी क्या। इसके पहले वाला गाना फुल क्रेजी, मैंने बोला घर पे जा, वाह घर पे जा, पे हो कैसी हो, घर पे जा, 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 घर पे जा। ये उनकी भी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं करा तूने बोलने के बाद में। मातृभाषा हिंदी, सही है। ओके मैं ये सॉन्ग जो है पढ़ लिया, मुझे पता चल गया, अभी मैं करूंगी इस सॉन्ग को फिल और फुल ऑन फुल, जो कि मैं हर वीडियो में करती हूँ। तो चलिए मेरे साथ आप ही आंखें बंद करके मस्त से फील कर लीजिए इस गाने में, पीछे बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली कहिए तो पूछो वगैरह वो सॉन्ग कंटिन्यूसली बजते जा रहा है, पर ध्यान स्टैनी पे ही। ये स्टैनी का मुझे एक सॉन्ग वो अच्छा लगा था, एक दिन प्यार, जो कमर्शियल टाइप था, एकदम अलग सा ही था,
लूप पे एकदम से बढ़िया बचता है वो सॉन्ग, और ये सॉन्ग भी वैसे ही टाइप का है, तो साथ में फिर से सोचे। और मेरे साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैंने लिरिक्स पढ़ ली है, सब कुछ जान लिया है और उसके बाद में सॉन्ग को फील करने वाली हूँ। सो आई होप मैं बहुत सारी वीडियोस मेरी आने वाली ऐसी ही हो सकती है, तो चलिए फील करते हैं। मेरे साथ अभी भी ये जगी हुई है, सो इसका नाम है लोली। एमएस 12 से आने वाले जितने भी यात्री, मेरा दिल कहीं को जलाते भाई बोलू गला के पीछे से वेट मारा यात्री, मेरे को टेंशन है इसका दूसरे को मैं पे करता कर लूंगे मिलेंगे गाड़ी, ये उनकी भी गलती नहीं है मेरी चलती नहीं करा तूने बोलने के बाद भी सैनी एक गाने पे उठा था मार्केट मार्केट इसको नहीं करता मैं टारगेट डब्ल में घूम रहे चार के मालूम ना कैसा फिर मारते झूठ नहीं बोलता मेरी माँ से नंबरकारी चार थे अपने को लूट रहे भार के समझेंगे नहीं इड़ी गांड के झगड़े लगा के तू खुश रहा अपने में तेरा शॉट हम लोग ने रेड हैंड पकड़े थे मेरे जैसे जो भी इधर बैठे ले कट्टे पे इन लोग को बोलना मैं चाहूंगा चलते रहे हेटर्स कर रहेगा तो मिलने के सपने देख शायद तुम्हारे दिमाग के घुटने में थोड़ा सा जल्दी में राइड हो गई दोस्त की हल्दी में ले जरा अमीर लोग घसती में मालूम ना बस्ती का हस्ती में राइट बेबन के फूल आती का आइटम को पूछा तेरे गीती का फेस पे तेरी गला था उगज की गांड को मारा था बोल बच्चन देव तुझे झाला का। अच्छा ये रह गया बोल बच्चन देव तुझे झाला का, मतलब बोल बच्चन देखे तेरा हो गया क्या ये आइटम को पूछा तेरे गीती का इसके पहले गाना बोले क्रेजी था वाला फील भी ज्यादा है। वाह ओके तो ये सॉन्ग इतने दिनों के बाद स्टैनी का सॉन्ग सुनते हुए जितने दिन भी जितना जितना मैं स्टैनी को सुनते जा रही हूँ उतना उतना इम्प्रूव होता जा रहा है, फिर वो लिरिक्स हो सुनना हो या फिर एंजॉय करना हो सब कुछ ही। ये सॉन्ग इतने दिनों के बाद मैं सुन रही हूँ, हर बार की तरह मुझे गिल्टी फील होता है बाद में जाके कि मैंने ये सॉन्ग पहले क्यों नहीं सुना, और जब भी मैं सुनती हूँ तभी मुझे अच्छा फील होता है। तो अभी अभी ये सॉन्ग अभी कुछ 1:30 बज रहे हैं और ये सॉन्ग सुन के मुझे नहीं लगता मुझे नींद आने वाली, एकदम से बूस्ट वाला सॉन्ग होता ना वैसे टाइप का कुछ सॉन्ग है तो एकदम से मज़ा आ गया। और ये सॉन्ग ना सच में बच्चे लोग थे उनके लिए ही था, वरना कोई होता तो इससे ज़्यादा हार्श लिरिक्स हार्श गालियाँ होती। और मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ये भी बताना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है क्या आपको नहीं अच्छा लग रहा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इंस्टाग्राम पर मुझे DMs करना क्योंकि वहीं से ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिएक्ट के लिए DMs जमा कर लेती हूँ और उस पर ही रिएक्ट कर देती हूँ।
स्टैनी की और भी वीडियोस आएंगी। स्टैनी मतलब मैं प्यार से स्टैनी बोलती हूँ, तो और कुछ गलत मत मान लेना कि ये इसका नाम है उसका नाम है, नहीं, मैं एमसी स्टैन को प्यार से स्टैनी कहती हूँ और बहुत लोग कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं जल्दी ही व्लॉग्स डालने वाली हूँ, सो उसकी अपडेट मैं देती रहूँगी इंस्टाग्राम पे, तो उसे भी सपोर्ट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।